तार मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू और सोनू की दोस्ती। तार मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू और सोनू की दोस्ती को शो के सबसे प्यारे रिश्तों में से एक माना जाता है। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। उनकी दोस्ती कई उतार चढ़ावों से गुजरी है लेकिन मजबूत बनी हुई है। दोस्ती की खासियतें। बचपन का बंधन। टप्पू और सोनू एक साथ बड़े हुए हैं जिसने उनके बीच एक गहरा बंधन बनाया है। वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और उनकी आदतों पसंद नापसंद से पूरी तरह वाकिफ हैं। एक दूसरे का साथ। ये दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे वो शैतानी करने की बात हो या फिर मुसीबत से निकलने की, वो हमेशा साथ रहते हैं। भरोसा और समझ। उनकी दोस्ती आपसी भरोसे और समझ पर आधारित है। वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। शरारत के साथी। टप्पू और सोनू अपनी शरारतों के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर मिलकर गोकुलधाम सोसाइटी के वासियों को परेशान करते हैं लेकिन उनका मकसद बुरा नहीं होता। हल्की फुल्की तकरार। हर दोस्ती में थोड़ी बहुत तकरार होती है। टप्पू और सोनू भी कभी कभी आपस में लड़ लेते हैं लेकिन उनकी ये तकरार ज्यादा देर नहीं टिकती और वो जल्दी ही माफी मांगकर या किसी मजाक से फिर से दोस्त बन जाते हैं। कुल मिलाकर टप्पू और सोनू की दोस्ती एक सच्ची दोस्ती की मिसाल है। ये दर्शाती है कि बचपन का साथ, आपसी भरोसा और समझ एक मजबूत दोस्ती की नींव रखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉमेडी शो है और इसमें रोमांस को ज्यादा प्रमुखता नहीं दी गई है, इसलिए गोली और सोनू के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं दिखाया गया है। वह तो बचपन के दोस्त हैं जो गोक सोसाइटी में रहते हैं। दरअसल शो में टप्पू और सोनू को अक्सर साथ दिखाया जाता है। वह एक गैंग के सदस्य हैं जिसे टप्पू सेना के नाम से जाना जाता है। ये सभी दोस्त हैं और कई तरह की शरारतें करते हैं। इस बात की संभावना कम ही है कि भविष्य में भी गोली और सोनू के बीच कोई रोमांटिक एंगल दिखाया जाएगा। यह शो आमतौर पर वयस्कों के बीच की कॉमेडी और पड़ोसियों के रिश्तों पर आधारित है।